एक ऐसा इंसान जो कि प्रशांत महासागर में 438 दिनों तक घूमता रहा। असल में हम बात कर रहे हैं जोस सल्वाडोर अल्वारंगा की। 17 नवंबर 2018 को मेक्सिको के एक छोटे से गांव से ये और उनके दोस्त मछली पकड़ने के लिए प्रशांत महासागर में एक छोटी सी नाव में निकले और उन्हें पता था कि आज तूफान आने वाला है, लेकिन उन्होंने सोचा कि तूफान आने से पहले वे लोग मछली पकड़ कर आ जाएंगे। और वे मछली पकड़ते पकड़ते किनारे से 120 किलोमीटर दूर आ गए और तूफान उनके घर पहुंचने से पहले ही आ गया। और तूफान आने की वजह से वे लोग प्रशांत महासागर के बीचों बीच आ गए और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें लगने लगा वो अब मर जाएंगे और उन्होंने हार नहीं मानी और खाने के लिए मछली और पक्षी को पकड़ कर खाने लगा। और उसके दोस्त की मौत कुछ दिनों बाद हो गई और वो अकेला पड़ गया। और फिर 438 दिनों के बाद उन्होंने पानी में कुछ नारियल गिरा हुआ देखा और फिर पूरे 14 महीने बाद वो कोई आइलैंड और इंसान को देखा। और उस दिन अल्वारंगा की खुशी नहीं रोकी और उसकी जान बच गई और उस आइलैंड का नाम इवोन एटोल था।